हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अज तुहाडे सामने लै रहे हैं एक होर ब्लॉग। अज दा नाज़रीन ब्लॉग असीं पंजाबी दे विच, नॉर्मली नहीं साडा ब्लॉग हुंदा उर्दू दे विच। सारे कंटेंट वगैरह सारा कुछ हुंदा उर्दू दे विच हुंदा। अज मैं सोचा कि थोड़ी चेंजिंग वगैरह की जाए ब्लॉग दे विच, थोड़ा पंजाबी बोली जाए। पंजाबी साडी पंजाब वालियां दी शान, पंजाब है, पंजाबी लैंग्वेज है। तो नॉर्मली तो उर्दू विच हुंदा, तो उर्दू तुहानू पता कि इंडिया पाकिस्तान दे विच उर्दू है। तो बाकी कई बंगालियों भी तो उर्दू समझ आ जाती है। तो असी आखे हूँ पंजाबी असी प्रमोट करिए, साड़ी पंजाब की लैंग्वेज। तो हूँ असी चले हैं बटानी शॉपे, तो उतों लैना कुछ रमज़ान ऑफर उन्होंने को लगी है। तो उन्होंने को रमज़ान के लिए कुछ ऑफर भी कुछ लै रहा मैं। तो मेरा अजय दिल से मसाला फिश खाने, तो हूँ मैं चले हैं उ बटानी शॉपे, तो उतों लैनी मसाला फिश। तो उन्होंने गारा रहे बना रहे, तो फिर कबाब रेंज तो जा रहे उतों लियाने ने नान, नान में ला रहे। तो फिर तुम दिखावे तो अज की इफ्तारी किमें असी करने। तो अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लियो। अगर तुम्हें ऐसा ब्लॉग पसंद आया थले कमेंट में दस्यो कि पंजाबी ठीक है या उर्दू ठीक है। तो असी आ गए हूँ बटा वाली गली च, जनाबी वाली बटा वाली स्टोर है। इतने रेवन स्टोर काफ़ी मशहूर और रमज़ान ऑफर नॉर्मली भी ऑफर वगैरह वो लाते रहने, तो लेकिन स्पेशली रमज़ान के उन्हें काफ़ी ऑफर लगाई हैं। तो असं हूँ चलने बटानी शॉपे। तो माशाल्लाह डाला 4x4 बहुत खूबसूरत है। तो पाकिस्तान की याद ताज़ी हो गई है माशाल्लाह। किसे लगता है अपने बंदे ने रखे है, तो माशाल्लाह। नाज़रीन असी आ गए हूँ बटा की शॉपे, तो इन्होंने टिशू वगैरह ऑफर लगी है। तो यह बार इन्हें फ्रूट वगैरह रखे है, बट ब्रदर स्टोर। तो आओ असी चलने हूँ अंदर। अंब आ गए हैं, अगर अंबा ने तुम शौकीन हो तो मैंगोस फिलहाल थोड़े अच्छे नहीं है। तो गर्मियों में अच्छे आते नाल अमरूद, अमरूद रहे भी अगर तुम शौकीन हो तो अमरूद भी आ गए हैं बटानी शॉपे। तो जनाबी वाली हाथ ली है मसाला फिश, ले ली मसाला फिश। तो हूँ इतने सेल भी लगे है सीख कबाब, तो घर वाले ने आते सीख कबाब लै गया। हूँ असं गए हैं बटानी शॉपे, तो बटानी शॉपे तो काफ़ी रश सी क्योंकि रमज़ान का महीना, तो जारी कर ले रमज़ान के महीने में उन्हें सेलां वगैरह काफ़ी लाई ने। तुम जा रहे विजिट कर सकते हो, मैं उन्होंने प्रोपर ब्लॉग भी बनाया, तो वीडियो भी बनाई है, तो वो चलने लिए शेयर कर दाना। नाल ही उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप है और भी लिंक मैं थले शेयर करा ना डिस्क्रिप्शन में। मैं कोई वीडियो स्पॉन्सर में नहीं है, वैसे मैं नॉर्मल शॉपिंग कर गया, तो और ही वीडियो है। तो मेरे सामने अंबर आ रहे हैं, तो आज उन्होंने ब्लॉग शामिल करने हैं। जना छोटा सारा इंटरव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं। और अभी मई 2nd of May में इलेक्शन भी आ रहे हैं और कुछ इनका इंटरव्यू लेते हैं, आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा यही पैगाम है अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, आपने सब ने ये 7 महीने जो है ना आपने देखा है जो फलस्तीन में सुन रहा है, हमारे मुसलमान भाई बहन बुजुर्ग वहाँ शहीद हो रहे हैं, और हम अभी भी उस पॉलिसी पे है जो हम लेबर पार्टी के है या कंजर्वेटिव पार्टी के है। मैंने आपकी खातिर, अपनी अवाम की खातिर मैंने अपनी कुर्सी को लात मार कर फेंक कर पार्क पे जाया है। मैंने रिज़ाइन किया है उस पार्टी से जो लेबर पार्टी थी, वो उसका लीडर जो है वो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। हमारा जो मुसलमान कम्युनिटी है यहाँ, मैं सबसे अपील करता हूँ आप अपना ईमान का फैसला करें, और हमारा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तनीषा ब्रह्मवाल, इसको आपने वोट देना है। और लेबर और टोरी पार्टी को एक मैसेज भेजना है 2 मई को, भाई आपको हम की ज़रूरत नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट बना चुके हैं
और इंशाल्लाह उनको अंजाम करेंगे। वेलकम टू बैक। हूँ अंबर भाई यानी अंबर अनवर इतने एक कौंसलर ने उन्होंने छोटा सारा इंटरव्यू लिया तो बाद प्रोपर इंटरव्यू भी लिया जेरा क्योंकि 2 मई विच इलेक्शन आ रहे हैं। पहले यह खलोते थी लेबर के नाल तो हूँ इन्हें लेबर में सस रहे क्योंकि लेबर की फलस्तीन सपोर्ट नहीं करती और इसराइल वाले सपोर्ट कर रही है तो इन्हें अपनी कुर्सी में लात मार रहे थे अपनी कुर्सी भी सैद पर कर स रही है तो इंशाल्लाह हम इन्हें वोट पावे असं सारे रल जने ते कबाब रेंज रमज़ान की वजह तो बंद है रमज़ान के बंद इन्हें की है काफ़ी इतने टेकवे वगैरह ने किरे रमज़ान के बंद कर देंगे ने तो चलो असं हूँ चलने नान रोटी पर तो उतों नान वगैरह लै लें उन्होंने आखने कुआरे हाथों नाल सोहने सोहने नान कद रहे थे दो बना रहे दो है रही नान रोटी। नान रोटी माशाल्लाह काफ़ी बिजी है सारी गल है कि रोजे का टाइम है तो फिर रश काफ़ी है इतों लैने नान तो तको माशाल्लाह अंदर ट्रैफिक लाइन काफ़ी लगी हुई है तो चलने इतों लै लेने नान रोटी तो नान तो माशाल्लाह रोजे ने खुलन नू तकरीबन 10 to 15 मिनट रह गए हैं तो रश काफ़ी है तो कबाब रेंज बंद सी तो फिर मैं सोचा कि तू नान रोटी तो लै लें कबाब रेंज बंद सी तो मैं सोचा कि नान रोटी तो लै लें नान रोटी वाले ने भी ठीक ने कबाब रेंज वाले ने तंदूरी तो लाते हैं नान रोटी वाले ने है इलेक्ट्रॉनिक तंदूरी है तो वे ला देते देंगे ने दोनों ने अच्छा ने टेस्ट है तो आप ही अपनी बंद की चॉइस होंगी है सेम प्राइस है दोनों की एक एक पाउंड का एक नान है तो कई तंदूरी वाला पसंद करते हैं तो कई और जी गोल तंदूरी होंगी है और उपर इलेक्ट्रिक होंगी है तो सारे की अपनी अपनी चॉइस होंगी है नान प्राइस भी सेम है तो जनाबे वाली कीमत भी सेम है तो साइज भी सेम ही माशाल्लाह देखो रश रोजे का टाइम है तो रोजे के टाइम तो रश हर टेकवे से ही काफ़ी हो जाता है बंदे पहले उधर नहीं करते सिर्फ रोजा खुलने वाला होंगे उसने हूँ चलने घर की तरफ से घर जा रहे नान अज मसाला फिश खाने अज रसी कुछ है।